राजधानी जयपुर में शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा परिणामों की घोषणा और बाल सभा को लेकर लगातार तारीखों में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल विभाग ने तीसरी बार तारीखों में बदलाव किया। वहीं इस दौरान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने गर्मी के मौसम में बाल सभा आयोजित करवाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को और साथ ही बजट की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण शर्मा का कहना है कि परीक्षा परिणाम के मामले में अभिभावकों को फोन पर सूचित किया जा चुका है। परीक्षा परिणाम और साथ ही बाल सभा की तारीखों में लगातार तीसरी बार बदलाव किया गया और इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि तारीखों के बदलाव के बाद अभिभावकों को फोन पर सूचित किया जा चुका है। पैंसठ हजार स्कूलों में 9 मई को बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। यह बाल सभा गांवों की चौपाल व सार्वजनिक स्थानों पर होगी। संगठन का मानना है इस तपती भरी धूप में क्या बाल सभा करना उचित पूर्ण होगा, जहां राजस्थान का टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री हो रहा है और ऐसे में गाँव में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था वहाँ गाँवों में उपलब्ध नहीं है। सरकार या तो व्यवस्थाएं करें या स्कूलों के लिए इन सुविधाओं के लिए बजट जारी करें ताकि ये कार्य संपूर्ण हो सके और बच्चों को तापघात से बचा जा सके। 9 मई को शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान भर के समस्त स्कूलों में बाल सभाएं का अनुरोध किया है, बाल सभाएं करने का, चौपाल में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के और खुली जगहों में। ज़्यादातर गांव में ऐसा कोई हॉल या इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाएगी, खुली जगह में जाकर के, जहां राजस्थान की जलवायु इस चीज़ के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है। सभी कलेक्टर्स को आज इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए विद्यालयों का समय कम करना पड़ रहा है, वहां शिक्षा विभाग आमादा है। समय 8 से 11 निर्धारित किया गया है, लेकिन बच्चों के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम करने में ये बिल्कुल निराधार सिद्ध होगा। 12-1 बजे तक भी बाल सभाओं का आयोजन चलेगा और ऐसी तपती धूप में उन बालकों के साथ ये खिलवाड़ जैसा